कल इतना ज्यादा परेशान हुए ना हम लोग, इतना ज्यादा कोई सो ही नहीं पाया। और ये चीज हम लोग ज्यादा देर और टॉलरेट नहीं कर सकते, इतनी जगह काटा है ना, ये दिख रहा लाल, ऐसा हर जगह थोड़ी थोड़ी बॉडी में हो गया है क्योंकि चींटी ने हर जगह काट लिया है। तो उससे तो भाई बचना पड़ेगा, तो जल्दी से काम निपटाएंगे। और क्योंकि नानी का आज चश्मा भी बनवाना है और बहुत सारे काम भी रहते हैं तो वो भी निपटाना है, लेकिन चश्मा नानी का बहुत ज़रूरी है क्योंकि यार पावर ऐसी चीज़ है, ज़्यादा देर तक अगर चेंज हो गया तो वो पुराना नहीं पहनते तो फिर आँखें और ख़राब हो सकती हैं। तो शाम को हम लोग वो भी कराएंगे। तो यार पूरे जोरों शोरों से काम चल रहा है। एक तो हमने यहाँ पे जितना चींटी वाला था हमने पूरा इसको साफ कर दिया, और यहाँ पे था और वो भी पूरा मतलब साफ कर दिया। अभी भैया और मैं लेके आया वाइट सीमेंट यहाँ पे, इसका बना के जितने भी गड्ढे हैं ना यार सब लगा देंगे, क्योंकि ये जितने भी गड्ढे दिख रहे हैं इनमें से चींटियाँ आ रही हैं, तो ये सारे के सारे ऐसे लाइन से कर देंगे। तो यार सारी साफ सफाई डन हो गई है और ये मस्त खाना खा रहा है अब, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए अपन। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जुलूस निकाल दिया है, क्योंकि पूरा उस पर चढ़ बढ़ के अपन ने साफ करा है। यहाँ इसके पीछे भी साफ सफाई कर दी क्योंकि चांस ही नहीं लेना था चींटी का। अगर आप आज रात को देखेंगे अगर फिर से होगा तो भाई साहब खैर नहीं, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। खाने में है बूंदी, चावल, दाल है, चोखा है और ये भुजिया है। वाह नाइस। तो यार खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ी देर में भी मम्मी को भी लेके आना है। और बाहर इतनी तेज बारिश होने लगी, मजा आ गया, मौसम अच्छा हो गया तो मूड थोड़ा ठीक हो गया। तो यार सुबह से ही इतनी बारिश हो रही है कि हमने सोचा था नानी को लेके हम लोग लेंस कार्ट जाएंगे उनका चश्मा बनाने के लिए, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही है तो प्लान इज ड्रॉप फॉर राइट नाउ। कल देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो कल लेके जाएंगे, लेकिन इतनी बारिश में लेके जाना सही नहीं है। कल चले जाएंगे, लेंस कार्ट कौन सा दूर ही है ना। सर तुमने बोला तुम सुंदर लगती हो, मैं तुम काली लग रही हूँ सामने। मैं देखो कितना गोरा गोरा लग रहा हूँ है ना। चीनी का जल्दी से लकड़ी छू लो, नजर न लगे। कल कैसे लग गया था तुषार, तुमको देख के मुझे डर लग गया, बीमार पड़ जाओगे जब तुम ना सर दर्द से छटपटाने लगे। बस मेरे को सर दर्द होता है ना तो यार फिर मेरे को बुखार हो जाता है, तो कल इतना सर दर्द हो रहा था मेरा, इतना सर दर्द हो रहा था, लेकिन तब भी मैं जिम गया था। लेकिन सही में जिम जाने से, अरे यार वो गैस हो गई थी ना इस वजह से सर दर्द हो रहा था, क्योंकि वो तब से हमने कुछ खाया नहीं था ना जब से हम लोग हॉस्पिटल गए थे और वापस आए थे, और फिर जैसे ही कुछ गया पेट में मतलब गया और उसके बाद हम लोग जिम गए तो जिम में जाके सारी गैस निकल गई। लेकिन उस दिन नहीं दर्द हुआ, हम स्कूल से आए थे तब तुम सर दर्द से नाचे। उस दिन उससे पहले भी मेरे को एक बार दर्द हुआ था। तो ये देखिए नानी कैसे कैसे पड़ा हुआ है पीछे, सौदागर। इससे मुझे कुछ याद आ रहा है, हाथ काट के मार डाला बेटा, जिम गया था तो। तो अभी मम्मी ने न्यूज में खबर देखी, एक पिटबुल ने लखनऊ में अपने मालकिन को काट के मार दिया। घर में वो नहीं पालना चाहिए, कुत्ता नहीं पालना चाहिए। नहीं मम्मी ने तो पाल रखा है दो। डॉगी पालने से दिक्कत नहीं है, मेन है अगर आप इतनी बड़ी ब्रीड ले रहे हो तो उसको ट्रेन करना मेन प्रॉब्लम रहता है। अगर आप उसको अच्छे से ट्रेन करोगे तो ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि डॉग नहीं लेना चाहिए, वो हमारे घर में अलग प्रथा है कुत्ते पालने की, अलग तरीके से पाले जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे महंगे डॉग लेते हो या तो खुद अगर ट्रेन कर रहे हो तो ढंग से ट्रेन करो, वरना तो आप एक ट्रेनर बुलवा के ट्रेन करो ताकि ऐसा इंसिडेंट ना हो। और अभी मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा यार सबके सब बारिश होते ही अपनी गाड़ी लेके ऐसे निकल जाते हैं, और 10 मिनट के निकलते हैं और आगे जाके देखते हैं जाम ही जाम। सही है, हम अपनी भी गाड़ी होगी हम भी निकल जाएंगे जाम में शामिल होने के लिए। नानी मासी के यहाँ जा रही है फिर से, मौसा जी लेने आ जाएंगे आपको। लो नहीं खाए,
बस एक दो ले लिए उसके बाद खाए नहीं। ठीक है मत बनाया करो यार, फालतू में तुम्हारा ही मेहनत खराब होता है। मम्मी ने इतने प्यार से नाना जी के लिए भिंडी बनाई, नाना जी ने ऐसे देखते ही मना कर दिया नहीं खाएंगे। एक दाना उठाया, टेस्ट करा और रख दिया, और दूध रोटी खा रहे हैं। हमारे लिए तो मम्मी ने चाप बना दिया है, तो मेरे को दे दो, भूख लगी है। हाँ। इसको भी दे दो। नानी चाप कैसा बना है? अच्छा है। हाँ, अच्छा बना है। लेकिन हम कभी बनाते नहीं है। आस पास नहीं मिलता होगा, थोड़ा दूर मिलता होगा। तो सुबह से इतनी बारिश हो रही थी कि हमें पेट्रोल भरवाने का मौका ही नहीं मिला। तो हमने सोचा कि अभी रात को भरवा लेते हैं, कल का काम खत्म हो जाएगा। और बारिश होने की वजह से मौसम इतना मस्त ठंडा हो गया है ना, तो हमारा एक गेड़ी भी हो गया इसी बहाने रात के टाइम। ये वाली है? नहीं। की क्रंच? हाँ यही दे दो, छोटी खाते हैं। एक मम्मी के लिए ले लेंगे बटर स्कॉच, मम्मी को बटर स्कॉच पसंद है। तो दो ये दे दो और एक बटर स्कॉच दे दो। तो यार यहाँ पे लगता है कुछ भसड़ हो गई है, कोई लड़ाई हो तो भाई हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं ऑन कैमरा, क्योंकि दंगे में इतना इंटरेस्ट नहीं। और मम्मी के लिए लिया आइसक्रीम और ये पिघल सकती है, तो घर चलते हैं। मम्मी बटर स्कॉच योर फेवरेट, थोड़ी देर फ्रिज में रख दो, हल्की पिघल गई है। नानी गई अभी जस्ट? नानी भी चली गई है मासी के यहाँ, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम मिलता है तो थोड़ा बच्चा लोग के साथ रह लेती है नानी भी, अच्छा लगता है उन्हें। मम्मी का थोड़ा मूड ऑफ हो रखा था, इस वजह से हमने सोचा मम्मी को आइसक्रीम दे देते हैं। ना मम्मी उदास नहीं होते, वी आर हेयर फॉर यू। बस बस एकदम खाए जा रही है, आराम से, मैं नहीं खाऊंगा। चुस्की तुम पीलो पीलो पीलो, प्रसाद है भाई प्रसाद, सर पे हाथ फेर लेना।